हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। जनरल रीडिंग है ये, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे सारी रीडिंग्स की, वीकली, मंथली एंड ऑल अदर रीडिंग्स जो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए, फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। पाइसेस, क्या चल रहा है? यू आर मैनिफेस्टर, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, यू आर वेरी, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, राइट? और स्टे अवे फ्रॉम द डेविल, डेविल एनर्जी, डेविल। देखिए, उस दिन भी मैंने एक रीडिंग बनाई थी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द डेविल। देखिए, डेविल का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पुल बैक करती हैं आपकी लाइफ में, राइट? या हो सकता है सर्टन कनेक्शंस, राइट, जो आपके लिए अनहेल्दी हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बार बार उकसाते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, दे डोंट कमिट टू यू, राइट? और वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं और दे एनर्जी आपकी पुल करते हैं, ड्रैग करते हैं, राइट? और अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर थ्रो करते हैं। ओके, फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, राइट? मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी फॉर दैट। विद अ मैजिशियन कार्ड, यस, कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। विद अ स्टार कार्ड, यू आर शाइनिंग ब्राइट स्टार, राइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्पॉटलाइट। ओके, सो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट? अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये रीडिंग हमारे साथ मैच नहीं हो रही है। पहली बात कि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि इट डिपेंड्स अपॉन ऑल, लाइक आप किस एनर्जी में हैं, राइट? आप लाइक किस वाइब्रेशन में हैं, राइट? सो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। विद अ सन कार्ड, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स, राइट? आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, नए तरीके से कुछ शुरू कर रहे हैं। सो हो सकता है कि सॉरी, हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं पहले। सो हो सकता है कि आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चैरियट, दिस पर्सन इज मे बी, हो सकता है योर ट्विन फ्लेम, मुझे ऐसा लग रहा है। येस ऑफ कोर्स, राइट? एंड दिस पर्सन इज रियली रियली क्लोज्ड ऑफ, कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, राइट? और लेकिन ये अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं, और बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लग रहा है सम पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव चेंजेस इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। वी हैव 9 एंड देन वी हैव 9 एंड देन वी हैव 10। कोई चैप्टर कम्प्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, राइट? What goes around comes around, yeah, right? So एक phrase है, शायद हो सकता है शायद मैंने गलत ना बोला हो, but आप ये phrase सुना होगा आपने, right? So कुछ है ऐसा जो आप अपनी life में manifest कर रहे हैं, कोई news आती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस person के थ्रू से, lot of communication, बहुत ज़्यादा like bright, happy, कुछ चीज़ें हैं, maybe हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये person hold on कर रहे हैं, right? ये person कोई यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइक क्लोज्ड ऑफ भी हैं, बट नॉट लेटिंग गो, मतलब उनका हो सकता है ये एटीट्यूड है, दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव, वो कोई मूव नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, बट वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए भी नहीं तैयार है, एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट, राइट? एंड हो सकता है आप दोनों में से लाइक होल्ड, लाइक
होल्डिंग ऑन इमोशंस, राइट, बट मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, मुझे इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल कनेक्शन, अगेन मैं बार बार यही कहूँगी कि यस आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यू आर मेंट फॉर, अपनी लाइफ में किसी रीज़न की वजह से, वी हैव लॉट ऑफ मेजर आर्कनास, द मैजिशियन, द स्टार, द सन, द स्ट्रेंथ, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट एल्स डू वी वांट, राइट। कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। देखिए, जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि वो आज ही आ जाएंगे। आप वर्क कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, राइट, ये सब कुछ एट लाइक बैक ऑफ द पेज कहीं चल रहा होता है, राइट, ये सब कुछ आपके लिए, बट हो सकता है आप अभी ये शायद ना देख पाए, राइट, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, राइट, आउट ऑफ पेशेंस होके कुछ नहीं होने वाला। आपने कोई, मान लीजिए कोई चीज़ बाय की अमेजोन से और आपने उसको, उनको लाइक पैसे पे कर दिए, तो क्या आप घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं कि जब तक वो डिलीवरी नहीं देने आते? तो नो, यू हैव टू वेट, राइट, और अपने काम करते रहना पड़ता है, उस एनर्जी में आइए, राइट। अगर करियर की भी बात करें, लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, होप यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर लाइक डूइंग एक्सेप्शनली गेट गुड फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, चेंज आ रहा है, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज, यू आर मूविंग अहेड, स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। और जैसा कि फिर मैंने अगेन आपको बोला कि अगर ऐसा अभी नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और अगर हो सकता है कि आपको रेजोनेट नहीं करी, तो मे बी दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, जो हो सकता है कि आप गलत रीडिंग वॉच कर रहे हैं, राइट, हो सकता है कि आपका सन साइन ना हो, बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू योर सन साइन, ज़ोडियक साइन, राइट। सो ये चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है आपको, फॉर ऑल द पाइसिस पीपल, राइट। अभी हो सकता है आपको ये सब कुछ ना दिखाई दे रहा हो, राइट, पर आपको क्या पता कि आपके लिए उस मालिक ने क्या लिखा हुआ, उस डिवाइन ने क्या लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं, लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस, सॉरी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सॉरी, ओके, सो लेट्स सी कि पाइसिस पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, मे भी हो सकता है, देखिए बेल इज रिंगिंग, मे भी हो सकता है सम थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, राइट, डिवाइन पे, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेट, गिल्ट, गिल्ट को जाने दीजिए, पास्ट इश्यूज को जाने दीजिए, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी आर द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, सो हो सकता है, अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट दिस मे बी दिस इज द साइन, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, आपकी तरफ कुछ आना चाहता है, समबडी इज नॉकिंग एट योर डोर, और आप शायद दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, ये आपके लिए मैसेज है, फॉर ऑल द पाइसिस पीपल जो भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो है आपको, अगेन वी हैव पार्टिसिपेशन, आप स्ट्रेस में हैं, आपको स्ट्रेस रिलीज करना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा, यूनिवर्स वाली जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, और इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। देन वी हैव नथिंगनेस, हायरोफंट, बी स्पिरिचुअल, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विद योर डिवाइन, कनेक्ट विद द सोर्स, राइट। सो अभी आपने जैसे देखा कि ट्वाइस वी हैव लाइक हमारे लाइक बेल रिंग हुई, सो ये साइन है, इसको प्लीज़ एज अ साइन लीजिए, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, सम थिंग्स लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, यू आर क्रिएटिंग दैट, राइट। एक वो जो मैंने क्या बोला था कि थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर यू, थिंग्स आर अलाइनिंग, सो आपको अलाइन करने की ज़रूरत है, आपको अपने वो जो हायर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। So that's all we have for all the Pisces people, beautiful reading, और I hope you like it, और अगर आपको ये reading पसंद आई तो please इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और मिलती हूँ next time with another reading, till then take care, bye.